नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मराठी के यशस्वी उपन्यासकार शिवाजी सावंत का सांस्कृतिक उपन्यास मृत्युंजय का 31वां भाग, सूर्यपुत्र महारथी कर्ण की अद्भुत जीवन गाथा। आइए सुनते हैं उनकी पत्नी वृषाली की जुबानी। सुख के दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत जाते हैं, या यूं कहिए कि जब मन सुख में उलझा हुआ होता है तब उसको काल का भान नहीं रहता। वृषसेन के साथ ही साथ लक्ष्मण और चित्रसेन भी बड़े होते जा रहे थे। भले ही बड़ी हो जाए, लेकिन माता पिता को अपनी संतान सदैव छोटी ही लगा करती है। वृषसेन 6 वर्षों का हो गया था। निरंतर बोलते रहना और अविरत हाथ पर चलाते रहना ही उसका स्वभाव था। अनेक शंकाओं से और प्रश्नों से वह राजभवन के सभी लोगों की नाक में दम कर देता था। वह थोड़ा बहुत किसी से डरता था तो महाराज से। राजसभा, युद्ध शास्त्र और मृग्या से बचा हुआ सारा समय महाराज वृषसेन के साथ ही बिताते थे। उससे बातें करते समय वे भी छोटे बच्चे बन जाते थे। कई बार तो वृषसेन उनसे बड़े आश्चर्यजनक प्रश्न कर बैठता। एक बार वह महाराज से बोला, तात, आप तो बहुत ही स्वार्थी हैं। सो कैसे वृषु, मुझको तो सारा हस्तिनापुर उदार कहता है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वे हंसकर बोले, नहीं, आप स्वार्थी ही हैं, नहीं तो आप हमारे लिए भी अपने ही जैसे सुंदर कुंडल न लाते। ऐसे कुंडल यदि सरलता से मिल जाते तब तो उनको प्रत्येक व्यक्ति ले लेता वत्स। तुमको अच्छे लगने वाले ये कुंडल यदि मैं काट कर निकाल सकता तो मैं तुमको अभी दे देता। मुझको भी अब ये अच्छे नहीं लगते। आप स्वयं कैसे काट देंगे उनको? कोई दूसरा भले ही काट सकता है, आप दोनों हाथों से कान और खड़ग आखिर पकड़ेंगे कैसे? यदि तुमसे हो सके तो तुम करके देखो। कर तो दूंगा, लेकिन रक्त आ गया तो माता मारेगी ना? नहीं रे, उसके आने से पहले ही तुम कुंडल निकाल लो, रक्त नहीं आएगा। और यदि आ भी गया तो मैं रोऊंगा नहीं, उसको बताऊंगा भी नहीं। अपने पिता ही की तरह हठी वह उसी समय शस्त्रागार में गया और शस्त्रागार से एक छोटा सा खड़क लेकर उसको हाथों में नचाता हुआ लौट आया। महाराज की गोद में बैठकर उसने उनका एक मांसल कुंडल अपने नन्हे हाथ की चिमटी में पकड़ लिया। फिर एकदम क्षण भर रुककर वह बोला, तात, मैं आपकी तरह स्वार्थी नहीं हूं, मैं एक ही कुंडल लूंगा, एक आपके लिए रहेगा। यह कहकर उसने खड़क संभाला। ठीक है, अपने भाग का तुम ले लो, जल्दी करो, उन्होंने उसको आज्ञा दी। अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर वह अब क्या करेगा यह वे उत्सुक होकर देखने लगे। इतने में ही मैं वहां पहुंच गई। अपने नन्हे नन्हे दांतों से अधर ओष्ठ आवेश से दबाकर वह खड़ग के धारदार फल को उनके कानों पर लगातार फिराने लगा। लेकिन खड़ग घास के पत्ते की तरह उनके कान पर केवल फिरता रहा। बड़ी देर तक वह प्रयत्न करता रहा। हम दोनों उसके परिश्रम पर हंस रहे थे। आखिर वह थक गया। उसके बाल मस्तिष्क पर श्वेत बिंदु चमकने लगे। खड़ग भी उससे नहीं उठ रहा था। हाथ से उसको फेंक कर वह उनकी गोद से नीचे उतरा। उन्होंने पूछा, क्यों रे वृषु, क्या हुआ? उसने जो उत्तर दिया वह इतना अनपेक्षित था कि उस दिन मुझको पहली बार ही अविदित हुआ कि वह बड़ा समझदार है। अपनी पराजय को तनिक भी स्वीकार न करते हुए वह लड़कपन भरी स्वाभिकता से बोला, कुछ नहीं तात, आपका कुंडल मुझको नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्या करूंगा उनको लेकर? आपके कान कितने बड़े हैं और मेरे कितने छोटे, मेरे कानों में वे बड़े नहीं लगेंगे क्या? उसके उत्तर से प्रसन्न होकर महाराज ने उसका हाथ पकड़कर उसको फिर अपनी ओर खींचा और उसके कुंडल रहित कान को बार बार चूमते हुए वे बोले, तुम्हारे पास कुंडल नहीं है, यही ठीक है। इन कुंडलों से मेरा क्या कल्याण होने वाला है यह मैं स्वयं नहीं जानता वत्स। वृषसेन की बाल क्रीड़ाओं में
हमारे दिन ऐसे व्यतीत हो रहे थे जैसे कि गोफन मतलब पत्थर फेंकने वाला एक अस्त्र से खेत के पंछी फुर्र से उड़ जाते हैं। कुछ घटनाओं की स्मृतियां ही शेष रह जाती थी। सूर्यास्त के बाद अलसाए हुए धूसर अस्पष्ट संधि प्रकाश की तरह। अंगराज के साथ कभी कभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा दुग्ध पान के लिए महल आया करते थे। उनकी और वृषेण की आपस में खूब पटने लगी। किसी के सामने हार स्वीकार न करने वाले गुरुपुत्र उसके सामने तत्काल हथियार डाल देते थे। इसी प्रकार एक बार वे महल आए। मैंने फलों से भरी हुई एक थाली मृणाल के हाथों कक्ष में भेजी। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने उनमें से धीरे से एक अंजीर उठा लिया। उन्होंने उसको धीरे से काटा। फिर उसकी ओर वे बड़ी गंभीर दृष्टि से केवल देखते रहे। तब महाराज बोले, क्या हुआ अश्वत्थामन? अंगराज, ऊपर से सुंदर दिखने वाले इस फल में एक क्रीमी है। अपना जीवन भी ऐसा ही नहीं है क्या? ऊपर से सुंदर परंतु भीतर से सरा हुआ। अश्वत्थामन, इसमें इस फल का क्या दोष है? दोष किसका है इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु वास्तव में जीवन जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, यही सच है। इस फल को ही देखो, बाहर से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इस पर महाराज ने कुछ ना कहा, लेकिन मैंने उन दोनों के वार्तालाप को सुनने वृषेण को धीरे से अपने आसन से उठते हुए देखा। वह उठा और सोपान से उतरकर राजप्रासाद के सामने का आंगन पार कर गया, फिर महाद्वार से निकल चार दीवारी के भी बाहर चला गया। आखिर यह जा कहाँ रहा है? मैं मृणाल को उसे ढूंढने के लिए भेज ही रही थी कि इतने में ही वह वापस भी आ गया। वह खरगोश की तरह छलांग लगाता हुआ आ रहा था। वापस आते ही वह महाराज और गुरुपुत्र के सामने धृष्टता के साथ खड़ा होकर अपनी मुट्ठी खोलता हुआ बोला, क्यों चाचा जी, इसमें भी कृमि होगा क्या? वह पत्थर का एक टुकड़ा था। उसका वह अद्भुत प्रश्न सुनकर गुरुपुत्र क्षण भर के लिए फिर गंभीर हो गए। महाराज की ओर देखते हुए वे बोले, अंगराज, सचमुच मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पुत्र ने कितना स्वाभाविक और सहज रूप से दिया है। पत्थर का वह टुकड़ा वृषसेन के हाथ से लेकर वे ध्यान से देखते हुए बोले, इस निर्जीव पाषाण में कहां है भला कृमि? कृमि फल में ही होगा, दोष सजीव में ही होंगे। फलों के जीवन रस पर कृमि पनपता है, बड़ा होता है, लेकिन फिर भी फल स्वयं उसको कभी बाहर नहीं निकाल पाता। मनुष्य के दोष भी ऐसे ही हैं। अज्ञान के जीवन रस पर मनुष्य के दोष पनपते हैं, बढ़ते हैं। वृषसेन की पीठ थपथपाते हुए वे बोले, वृषसेन, इस टुकड़े को गवाक्ष से नीचे फेंक दो और वह अंजीर मुंह में रख लो। उन्होंने उसके बाएं हाथ में वह पत्थर का टुकड़ा और दाएं हाथ में थाली से उठाकर दूसरा एक पूरा अंजीर रख दिया। वृषसेन ने टुकड़ा गवाक्ष से नीचे फेंक दिया। अंजीर खाते खाते ही वृषसेन ने गुरुपुत्र को एक बार और चौंका दिया। उनके वस्त्राच्छादित मस्तक की ओर देखता हुआ वह बोला, चाचा जी, मैं भी आपकी तरह ही सिर पर वस्त्र बांधा करूंगा। क्यों भाई, तुम तो अंगराज के पुत्र हो, तुमको तो स्वर्ण मुकुट धारण करना चाहिए, वस्त्र नहीं? गुरुपुत्र ने उससे पूछा। नहीं, स्वर्ण मुकुट का क्या उपयोग, उसका क्या ध्वज थोड़ी ही बनाया जा सकता है? ध्वज के लिए तुम ऐसा वस्त्र सिर पर बांधोगे? हाँ, बड़े लोग कहते हैं कि लड़ाई में रथ पर लगे ध्वज गिर पड़ते हैं, इस प्रकार ध्वज गिरने का वहां तत्क्षण दूसरा ध्वज कहां से मिल जाएगा? उसका उत्तर सुनकर हम सब हंसने लगे। लेकिन हम क्यों हंस रहे थे? यह उस निष्पाप बालक की समझ में नहीं आया। वृषसेन जब 7 वर्ष का हुआ तब मुझको और एक पुत्र हुआ। उसी समय सुप्रिया को भी एक पुत्र और हुआ। मेरे पुत्र का नाम सुषेण रखा गया और सुप्रिया के लड़के का नाम सुशर्मा।
हमारे सास ससुर उनको देखकर फूले नहीं समाए। उन्होंने जीवन भर जो असीम कष्ट सहे थे वे सार्थक हो गए थे। उनका लगाया हुआ कुटुंब का पौधा विशाल वट वृक्ष में बदल गया था। वे मुझसे सदा यही कहते, वृषाली तू गृह लक्ष्मी है, तू सुख का भंडार लेकर ही आई है। हमने जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था वही हो रहा है। उनके पैर दबाती हुई मैं कहती, मेरे आने से कुछ नहीं हुआ, महाराज के लिए आपने जो कष्ट उठाए हैं उन्हीं का यह फल है। उसके लिए हमने भला क्या कष्ट उठाए हैं, हमारी पर्ण कुटी में उसने जन्म लिया, यही हमारा सौभाग्य है। पत्नी के रूप में तू उसको मिली, यह भी हमारा सौभाग्य है। यह सब पूर्व जन्मों का फल है बेटी। सास जी की गोद में बैठा हुआ सुसेन ठीक उसी समय हुंकार करता, मानो वह सबको यह याद दिलाता कि मैं भी पूर्व जन्मों के उस फल का ही एक घटक हूं। वे उसको थपथपा कर सुलाती हुई कुछ गुनगुनाती। मैं उनसे प्रार्थना करती कि वे उस गीत को उच्च स्वर में गाए। तब वे कहती, वसु जब सुसेन के बराबर का था तब मैं यह गाया करती थी, अब अच्छी तरह याद नहीं रहा। और फिर चंपा नगरी की पर्ण कुटी का वह गीत इस वैभव संपन्न राजभवन में क्या गाऊं? तू ही अपने पुत्र को एक गीत सुना जो इस भवन के अनुरूप हो। निद्राधीन सुसेन को मेरे हाथों में देती हुई वे कहती, इस माता ने अपने पुत्र के लिए कष्टों के कितने अनगिनत पर्वत उठाए होंगे। यह सोचकर मैं यह अनुभव करती कि इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। सुसेन की पीठ पर एक वर्ष बाद ही मेरा वृषकेत पैदा हुआ। मैं तीन पुत्रों की माता बन गई। उन तीनों के आगमन से मेरे जीवन का उद्यान प्रफुल्लित हो उठा। वृषसेन, सुसेन और वृषकेतु, ये उस उद्यान की तीन सुवर्ण कमल ही थे। मुझसे कहीं भी पीछे नहीं रहना है, शायद यह सोचकर ही सुप्रिया ने भी और दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम प्रसेन और भानुसेन रखे गए। चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेन सुप्रिया के चार लड़के अपनी माता की तरह ही सुंदर थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम दोनों में से किसी के भी एक भी कन्या नहीं हुई थी। बार बार मेरे मन में यह विचार आता कि महाराज के इन सात पुत्रों की एक बहन होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन उस कमी को देवर शोन जी ने पूरा कर दिया था। जिस समय मेरे वृषकेत हुआ था उसी समय उनके एक कन्या हुई। उसकी आंखें मछली की तरह लंबे आकार की थी, इसीलिए सबने उसका नाम मीनाक्षी सुझाया। मीनाक्षी मेघमाला जैसी ही केतकी के वर्ण की बड़ी प्यारी लड़की थी। वह कभी नहीं रोती थी। महाराज अपने पुत्रों की अपेक्षा उसी पर अधिक प्यार करने लगे। उसको अपनी सशक्त भुजाओं में लेकर वे मेरे पास आकर कहते, वृषाली तुमको अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान है ना? यह मीनाक्षी जब बड़ी हो जाएगी तब दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण तक इससे विवाह का प्रस्ताव करेगा। तुम अंग रागी हो, वह कौरव रागी होगी। कुछ भी हो लेकिन बस यही ना हो, मैं कहती। क्यों? अजी, यदि वह कुरुओं की महारानी हो गई तो कल को आपको भी क्या उसका वंदन नहीं करना पड़ेगा? तो यह कहो ना कि तुम यह चाहती हो कि तुम्हारा पति किसी के भी सामने अपना सिर ना झुकाए, कम से कम अपने संबंधियों के सामने तो नहीं ही। वे और किसी से तर्क वितर्क नहीं करते थे, परंतु मुझसे सदैव उल्टे सीधे प्रश्न करते रहते थे। हार कर फिर मैं चुप हो जाती। कहते हैं ना कि एक चुप्पी सौ को हराए। मीनाक्षी से वे घंटों तक खेलते रहते। उनको उसके साथ खेलते हुए देखकर जीवन के पिछले 20 वर्षों का समय कैसे और कहां चला गया इसका पता लगाने का मैं प्रयत्न करती, लेकिन मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इस लंबे समय में मुझको यही पता नहीं चला था कि मैं हस्तिनापुर में थी या स्वर्ग में। कसक इतनी ही थी कि सुदामन की स्मृति आंधी की तरह आकर कभी कभी मुझको व्याकुल बनाती रहती थी। इस समय यदि वह होता तो पूरे 25 वर्ष का हो जाता।
मुझको वंदन कर व्यायामशाला में जाते हुए वह कहता, माता मेरे बहु घंटक दांव से व्यायाम के सभी शिष्य घबराते हैं, परंतु उसकी इन धूमिल स्मृतियों के अतिरिक्त मेरे पास उसका कुछ भी नहीं था। राजप्रासाद में कुछ और नवीन व्यक्ति आ गए थे। पितामह भीष्म ने कुरुओं के 100 युवराजों का देश देश की 100 राजकन्याओं से विवाह करवा दिया था। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता मधुमक्खियों से भर जाता है, वैसे ही राजस्त्रियों से राजप्रासाद गुंजित हो उठा था। कुरुओं के वैभव का शिखर हिमालय से होर करने लगा था। 100 युवराजों की गृहस्थियों को देखने का रोमांचकारी संयोग इस राजप्रासाद के जीवन में पहली ही बार आया था। लेकिन मुझे आसपास श्रृंगारिक चर्चाएं सुनते ही पांडवों की याद आ जाती थी। कौरव और पांडवों में जो बहुत बड़ा अंतर था, उसको मैं कभी भूल नहीं पाती थी। कौरवों के प्रत्येक युवराज की एक एक पत्नी थी, लेकिन पांचों पांडवों की कुल एक ही पत्नी थी। कौरवों की भगनी युवराज्ञी दुशाला का विवाह सिंधुराज जयद्रथ से हो गया था। मुझको आश्चर्य तो पितामह भीष्म पर होता था। वे पराक्रमी थे, वृद्ध थे, उनका सब पर प्रभाव था, सबके मन में उनके प्रति आदर युक्त भय था। लेकिन पांडवों के प्रति वे बहुत ही उदासीन दिखाई पड़ते थे। खांडव वन का इंद्रप्रस्थ में रूपांतरण करने वाले पांडवों से मिलने के लिए वे कभी नहीं गए। उन पर होने वाले अन्याय का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। महाराज दुर्योधन की पांडव द्वेषी भावना को उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर कभी नहीं रोका। राजमाता कुंती देवी को इस घोर विपत्ति के समय भी उन्होंने कोई सहारा नहीं दिया। यह सब न जाने क्या हो रहा था। जो कुछ हो रहा था उसको वे तटस्थ होकर देख रहे थे। पांडवों का इंद्रप्रस्थ का राज्य अब बहुत समृद्ध हो गया था। उनका इंद्रप्रस्थ राज्य पाषाण को उद्विग्न कर अंकुरित होकर आकाश में सिर उठाने वाले वृक्ष की तरह एक महान आश्चर्य ही था। दिन प्रतिदिन वह वृक्ष बढ़ता ही जा रहा था। समीपवर्ती राज्यों के मल्ल, योद्धा, कारीगर, गायक, नर्तक और कृषक अब इंद्रप्रस्थ में एकत्रित होने लगे। हस्तिनापुर पूर्वजों के पराक्रम का फल था, लेकिन इंद्रप्रस्थ पांडवों के स्वकृतित्व का उदाहरण था। दिन, महीने और वर्ष एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ऐसे दौड़ रहे थे जैसे छोटे छोटे बालक खेलने के लिए जाते हैं। मुझको उनकी गणना करने के लिए समय ही नहीं मिलता था। अपने और सुप्रिया के बालकों की देखभाल करने में ही मेरा अधिकतर समय बीत जाता था। मेरे पास इतने सुख स्वयं दौड़ कर आए थे कि मैं यह भूल गई थी कि मैं एक सारथी कन्या हूँ। राजभवन के सभी कौरव योद्धा अनुराग्य के रूप में सादर मेरा सम्मान करते थे, लेकिन कभी कभी एक बात मुझको व्याकुल कर देती थी। मेरे सत्यसेन दादा अभी अविवाहित थे। अवस्था में वह मुझसे बड़े थे, इसीलिए इस विषय में आमने सामने तो मैं कुछ नहीं कह सकती थी, न विचार विमर्श कर सकती थी। अंगराज को भी उनके विवाह के विषय में मैंने कभी याद नहीं दिलाई थी, क्योंकि अपने भाई के लिए मैं उनसे कुछ मांग करूं यह मुझको स्वीकार नहीं था। लेकिन मेरा मन मुझसे कह रहा था कि एक दिन स्वयं अंगराज ही भैया के विवाह की चर्चा अवश्य करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन वे मेरे हाथ में मंगल अक्षत देते हुए बोले, ये किसके मंगल अक्षत है बताओ तो जाने। 2 का अंक अशुभ लगता होगा, इसीलिए आप तीसरा विवाह करने जा रहे होंगे, मैंने परिहास करते हुए कहा। नहीं, मेरा तीसरा विवाह तो बहुत पहले हो चुका है, वे भी उसी सहजता से बोले। यह सुन क्षण भर को मेरा हृदय धक से रह गया। मैंने घबरा कर पूछा, तीसरा विवाह किसके साथ? देखो वृषाली, तुम मेरी दूसरी पत्नी हो और सुप्रिया तीसरी, फिर पहली भाग्यवती कौन है? मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा। धनुर्विद्या, वे ठठाकर हंसते हुए बोले। मेरे हाथों में लगे अक्षतों की ओर उंगली करते हुए वे बोले, ये अक्षत मेरे लिए नहीं है,
ये तुम्हारे सत्यसेन दादा के लिए है। वृषाली, शोन के विवाह के लिए तुम दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन अपने भाई के विवाह के संबंध में तुमने भूल कर भी कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अंग रागवी तो हूं ही, लेकिन स्वाभिमानी भाई की बहन भी हूं। मेरे पास आकर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर वे बोले, वृषाली, सुप्रिया तुमसे अधिक सुंदर है, परंतु तुम्हारी तरह युक्तिपूर्ण कथन वह कभी कह ही नहीं सकती। कहां से सिखाई हो यह सब? आपने धनुर्वेद किससे सीखा है? अपने गुरु से। उनका नाम क्या है? नाम नहीं बता सकता। तो फिर मैं भी अपने गुरु का नाम नहीं बता सकती। देखो, तुम्हारे युक्तिपूर्ण उत्तर फिर शुरू हो गए। मैं हाथों में लगे अक्षतों की ओर देखती भी चुप हो गई। प्रत्येक अक्षत पर मुझको मोर बंधे हुए सत्यसेन दादा ही दिखाई दे रहे थे। अपनी छोटी बहन के लिए उस विशाल मना भाई ने कष्टों के पर्वत सिर पर रख लिए थे। अपने नाम के अनुसार ही वह सत्य के लिए प्रयत्न करता आया था। पुरोहित ने जो शुभ दिन बताया था, उस दिन बड़ी धूमधाम से मेरे भाई का विवाह हस्तिनापुर की ही एक सारथी कन्या से हो गया। महाराज दुर्योधन के सारथी होने के कारण भैया के विवाह में वैभव की कोई कमी नहीं रही। उनकी अर्धांगिनी का नाम था पुष्पावती। उस विवाह के एक महीने के भीतर ही महाराज दुर्योधन के एक कन्या हुई। नगर में चारों ओर दीपक जलाकर नगरजनों ने अपनी राजकन्या का स्वागत किया। पुरोहित ने उसका नाम सुदर्शना रखा। सुदर्शना सुंदर थी। राजभवन में युवराज लक्ष्मण, राजकन्या सुदर्शना, मेरे और सुप्रिया के पुत्र मीनाक्षी आदि अनेक छोटे छोटे बालक उद्यान के पुष्प वृक्षों की तरह आनंद पूर्वक बढ़ने लगे। उनकी बाल क्रीड़ाएं राजभवन में भी नहीं समाती थी। स्वर्ग के देवगण हस्तिनापुर से ईर्ष्या तो नहीं करने लग गए? कभी कभी यह संदेह मेरे मन में झांक जाता था। बीच बीच में कानों में टकराने वाली इंद्रप्रस्थ की चर्चाएं सभी के मन में उत्सुकता जागृत करने लगी। पांडवों ने खांडव वन में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर इंद्रप्रस्थ को उस राज्य की राजधानी बना दिया। राजधानी के नाम से पड़ोस के राज्य उस राज्य को इंद्रप्रस्थ राज्य ही कहने लगे। हस्तिनापुर की अपेक्षा इंद्रप्रस्थ का ही डंका चारों ओर बज रहा था। राज्य केवल भव्य भवनों और विपुल नागरिकों पर ही नहीं चला करते। राज्य चलाने के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है। यह संपत्ति पांडवों ने कब और कहां से प्राप्त की, इस संबंध में हस्तिनापुर में सभी को बहुत कौतूहल था। भीम और अर्जुन ने अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए सतत पड़ोसी राज्यों को पदाक्रांत करने में पराक्रम की सीमा पार कर दी। पराजित राज्य उनको कर देने लगे और इस प्रकार उनका इंद्रप्रस्थ संपन्न होने लगा। सैन्य संख्या बढ़ने लगी। अचानक एक दिन पांडवों का राजदूत हस्तिनापुर में आ पहुंचा। वह पांडवों की ओर से भुर्ज पत्र का राजसुई यज्ञ का निमंत्रण लेकर आया था। वासंतिक पूर्णिमा को पांडव एक विशाल यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे। उस यज्ञ के लिए वे पितामह भीष्म का शुभाशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। इस निमंत्रण के पीछे ही पीछे पांडवों के पुरोहित धौम्य ऋषि भी स्वयं हस्तिनापुर में आकर निमंत्रण के संबंध में आग्रह कर गए थे। स्वयं युवराज युधिष्ठिर देश देश में 5 सुवर्ण कुंभ लेकर घुमाए थे। उन कुंभों में वे वितस्ता, पुरुषनी, गंगा, यमुना, सिंधु, मंदाकिनी, अलकनंदा, ईरावती, सरयू, चर्मणवती आदि अनेक पवित्र नदियों का जल इंद्रप्रस्थ ले आए थे। पांडवों के इंद्रप्रस्थ में राजभवन के सामने होकर ही बहने वाली इक्षुमती नदी के जल में इन पवित्र जलों को मिलाकर यज्ञ के कार्यों में प्रयुक्त करना था। इंद्रप्रस्थ इक्षुमती और यमुना के संगम पर था। राजभवन के सामने इक्षुमती के दूसरे किनारे पर विशाल प्रांगण में यज्ञ मंडप बनाया गया था। उसके चारों ओर निमंत्रितों के लिए विश्राम गृह और भोजनागार भी सुसज्जित कर दिए गए थे।
यह सब समाचार हस्तिनापुर में तेजी से फैल रहे थे। युवराज, अर्जुन और भीम देश देश में अपने यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए घूम रहे थे। जहां देखो वहां ही यज्ञ की चर्चा होने लगी थी। मेरा भी कौतूहल बढ़ने लगा, इंद्रप्रस्थ कैसा बसाया है यह कम से कम एक बार तो देख ही लेना चाहिए। मेरा मन यह चाहता था लेकिन वह संभव नहीं था, उचित भी नहीं था। इस दीर्घ समय में पांडवों ने चारों दिशाओं में दिग्विजय की थी। गाड़ियां भर भर कर अपरिमित धन राशि लाकर उन्होंने इंद्रप्रस्थ का भंडार पूर्ण किया था। महल में पांडवों के विषय में जो चर्चा चलती थी वह सुनकर यह सारी जानकारी मुझे हो गई थी। दिग्विजय में उन्होंने दो ही राज्यों पर आक्रमण नहीं किया था, एक मथुरा और दूसरा हस्तिनापुर। वैसे यह इंद्रप्रस्थ का पहला ही निमंत्रण नहीं था। पांच पतियों से द्रौपदी को पांच पुत्र हुए थे। प्रत्येक पुत्र के नामांकन के अवसर पर राजमाता कुंती देवी द्वारा मुझको विशेष निमंत्रण भेजा गया था। परंतु महाराज को अच्छा नहीं लगेगा यह सोचकर हर बार मैंने कुछ न कुछ बहाना करके इंद्रप्रस्थ जाना टाल दिया था। लेकिन प्रत्येक युवराज का नाम क्या क्या रखा गया था इसका पूरा पता मैंने अच्छी तरह लगा लिया था। द्रौपदी को युवराज युधिष्ठिर से प्रतिविंध, भीमसेन से सूतसोम, अर्जुन से श्रुतिकीर्ति, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतवर्मा, ये पांच सुंदर पुत्र प्राप्त हुए थे। परंतु इन सब से ही अलग एक प्रकार का अद्भुत वर्णन हमने अभिमन्यु के बारे में सुना था। अभिमन्यु श्री कृष्ण की सुभद्रा नामक भगिनी का अर्जुन पुत्र था। वह अपने मामा की तरह ही सुघर और नीलवर्णी था। पांडवों ने अपनी सुविधा के लिए वैवाहिक जीवन के संबंध में एक नियम बनाया था। असावधानी के कारण अर्जुन ने उसको भंग कर दिया था, इसीलिए उनको 12 वर्ष का लंबा वनवास स्वीकार करना पड़ा। इस वनवास काल में ही उन्होंने रेवतक पर्वत पर रहकर द्वारिका से श्री कृष्ण की भगिनी का हरण किया था। वनवास के बाद युवराज अर्जुन सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर ही इंद्रप्रस्थ लौटे थे। एक संयोग पर मुझे सदैव बड़ा आश्चर्य होता था, मेरा नाम वृषाली था, अर्जुन की पत्नी का नाम पांचाली। मेरी सौत सुप्रिया थी और पांचाली की सौत सुभद्रा। इन नामों में कहीं कुछ गूढ़ समता अवश्य थी। राजसुई यज्ञ के लिए पांडवों के सभी लोग अथक परिश्रम कर रहे थे। धौम्य ऋषि ने स्वयं मुझसे मिलकर यह कहा कि राजमाता कुंती देवी ने बड़े आग्रह से आपको बुलाया है। लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि निमंत्रण के संबंध में महाराज को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि वह उनको अच्छा लग ही नहीं सकता था। सुदामन का वध कर अर्जुन ने हम दोनों के प्रति घोर अपराध किया था। बातों के प्रवाह में धौम्य ऋषि ने एक दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें भी बता दी थी। खांडव वन के अरण्य को जलाते समय अग्नि और अर्जुन में दारुण युद्ध हुआ था। इस युद्ध से संतुष्ट होकर अग्नि ने अर्जुन को गांडीव नामक धनुष और दो अक्षय बाणों के तरकस दिए थे। श्री कृष्ण को एक तेजस्वी सुदर्शन चक्र दिया था। जरासंध के मगध राज्य से अभी हाल ही में लौटे हुए युवराज भीमसेन ने राक्षस राज वृषपर्वा से एक दिव्य गदा भी प्राप्त कर ली थी। अर्जुन ने तो उस दिव्य धनुष के बल पर ही दिग्विजय का कार्य पूरा किया था। इंद्रप्रस्थ के ये सारे समाचार उस राज्य के संबंध में कौतूहल जागृत कर रहे थे। एक निबिर अरण्य ऐसा समृद्ध राज्य में रूपांतरित हो गया था, इस पर सभी को महान आश्चर्य हो रहा था। इसी बीच मगध देश स्थित हस्तिनापुर के गुप्तचर ने एक अविश्वसनीय सूचना लाकर राजभवन के सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। उसको सुनते ही महाराज तो बहुत अधिक अस्वस्थ हो गए। जिस समय एक दास ने आकर उनको यह समाचार दिया, उस समय वे वृषसेन को द्वंद सिखा रहे थे। वे उसको बाहुकंटक का कठिन दाव समझा रहे थे। आने वाला दास मगधों के राजा के वध की सूचना लेकर आया था। सुनते ही वृषसेन को ज्यों का त्यों छोड़कर महाराज उस दास के पास गए
और उसके कंधे को झकझोरते हुए उन्होंने उससे कहा, उस विख्यात जरासंध को किसने मारा है, बोल किसने? युवराज भीम ने उसने घबराकर उत्तर दिया, अकेले ही, असंभव है। उस समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। उसका उत्तर सुनते ही महाराज स्तब्ध हो गए। दास चला गया, पीठ पीछे दोनों हाथ बांधकर न जाने किस विचार में डूबे हुए वे इधर से उधर चक्कर लगाने लगे। मैंने वृषसेन से पूछा, वृषु पिताजी ने तो दांव सिखाया है, वह उनको करके दिखाएगा? तात क्या मेरी बराबरी के हैं? चित्रसेन या लक्ष्मण को ला मेरे सामने, तब मैं उसको सिखाऊंगा अपना बाहु टंकट। वह बाहु कंटक नहीं कह पाता था। मैंने सोचा कि महाराज कौतुक से उसको उठा लेंगे और बाहु टंकट नहीं बावरे बाहु कंटक कहते हुए उसके मस्तक का आवग्रहण करेंगे, लेकिन वे अपने ही विचारों में डूबे हुए थे। जरासंध के वध से उनको कोई बात खटकी अवश्य थी। किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? मैंने उनको सचेत करने के लिए कहा। वे एकदम रुक कर बोले, श्री कृष्ण की। सो क्यों? आखिर श्री कृष्ण ने जरासंध का अंत कर ही दिया, इसीलिए। आपने शायद बात अच्छी तरह नहीं सुनी। जरासंध का वध श्री कृष्ण ने नहीं किया। श्री कृष्ण का उस वध से क्या प्रयोजन? भीम ने मारा है उसको। प्रयोजन श्री कृष्ण का ही था। जिस कंस का श्री कृष्ण ने वध किया था, वह कंस जरासंध का जामाता था। अपने जामाता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध ने विशाल सेना लेकर अनेक बार मथुरा पर आक्रमण किए। उसके आक्रमणों से उकता कर श्री कृष्ण को अंत में मथुरा छोड़कर भाग जाना पड़ा, पश्चिम में द्वारका को। इसीलिए उन्होंने जरासंध का अंत करवा दिया होगा। इंद्रप्रस्थ का यज्ञ मथुरा मुक्ति के आनंद के लिए ही हो रहा है। वृषाली, मुझको उस यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इंद्रप्रस्थ जाऊंगा। बिना निमंत्रण के उनका जाने का निश्चय करना मुझको कुछ विचित्र सा लगा, परंतु मैंने कहा कुछ नहीं। उनके दृढ़ स्वभाव को मैं जानती थी, चाहे निद्रा में ही क्यों ना निकला हो, लेकिन मुख से निकले हुए शब्द को वे सत्य कर दिखाते थे। जरासंध का अंत करने वाले श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक है शायद आप? वृषाली, पत्नी पति की अर्धांगनी होती है, यह तुमने सिद्ध कर दिया है। वह कारण तो है ही, पर सच पूछो तो जरासंध के सेनापति चेदीराज शिशुपाल से मैं उस द्वंद के विषय में सविस्तार जानकारी पूछूंगा। भीम ने उसको किस दांव से मारा, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। द्वंद से उनको अतिशय प्रेम था। वे सदा कहते, द्वंद का अर्थ है स्पष्ट रूप से शक्ति की सीधी कसौटी। पूर्णिमा से एक दिन पहले सभी कौरव योद्धाओं ने इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर दिया। महाराज दुर्योधन ने यह प्रयत्न किया कि पांडवों के यज्ञ में कोई न जाने पावे, लेकिन पितामह भीष्म ने इस संबंध में प्रारंभ से ही कठोर रुख अपनाया। उन्होंने सबसे स्पष्ट कह दिया कि यदि तुम लोग वृद्धों का मान रखना चाहो तो सबसे पहले वृद्ध गुरु के रूप में मैं तुम सबको यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा देता हूँ। लेकिन आज्ञा मानकर केवल आने से ही काम नहीं चलेगा। उस यज्ञ में मैं जिस काम के लिए जिससे जो कहूँगा वह काम प्रत्येक को करना ही पड़ेगा। यह मेरी इच्छा नहीं बल्कि आज्ञा है। औरों के आगे अपनी हठ कभी न छोड़ने वाले महाराज दुर्योधन पितामह के आगे कुछ भी न कह सके। पितामह के त्याग और पराक्रम से सभी परिचित थे। मन ही मन भले ही झुंझलाते रहे, परंतु पितामह की आज्ञा का पालन तो सबको करना था ही। अंगराज भी सबके साथ इंद्रप्रस्थ जाने लगे। जाते समय उनकी पंचारती उतारकर मैंने उनसे कहा, आपको भी जाना चाहिए, यह पितामह की आज्ञा नहीं है। लेकिन मैं अवश्य जाऊंगा। इतना आग्रह आपसे कौन कर रहा है? आग्रह किसी का नहीं, लेकिन मुझको जाना अवश्य है। वहां मथुरा से श्री कृष्ण आने वाले हैं।
यज्ञ की अपेक्षा उनको पुनः देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। आपकी इच्छा ही निश्चय है। उनके परसों के फल की तरह विशाल भाल पर मैंने कुमकुम तिलक लगाया। उस तिलक से उनकी मुद्रा नितांत सुंदर दिखने लगी। अपने माता पिता की चरण धूलि अपने सिर से लगाकर अपने हस्तिदंत वर्ण के घोरों के रथ में बैठ वे यज्ञ के लिए इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण के दर्शन करने की उत्कट इच्छा है। श्री कृष्ण के दर्शनों से उनको न जाने कौन सा समाधान मिलने वाला था। उनके उस कथन से मेरी भी इच्छा हुई कि एक बार श्री कृष्ण को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि जो मेरे पति का समाधान था वही मेरा समाधान था। स्त्री का जीवन पति के चरणों का भक्ति भाव से और श्रद्धा से समर्पित किया हुआ कमल पुष्प होता है। पति का सुख ही उसका सुख होता है। धन्यवाद।